ओके तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला वेट क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, देखो जो आयोनिक कंपाउंड रहते हैं उनका मॉलिक्यूल नहीं रहता, राइट मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फॉर्मूला का मतलब होता है मॉलिक्यूल, फॉर्मूला वेट मतलब मोलार मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो क्यों उसको फॉर्मूला वेट बोला गया है, वो एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि बस बोलना है इसलिए बोलना है। जो कोहेरेंट कंपाउंड रहते हैं फॉर एग्जाम्पल HCl, तो इस तरीके से होते मीन्स उनका एक फिक्स मॉलिक्यूल रहता है, उनके अंदर एक केमिकल बॉन्ड रहता है और ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर फिजिकल बॉन्ड्स रहते हैं। सो दिस इज केमिकल बॉन्ड। सो जहां जहां तक केमिकल बॉन्ड है उसको हम एक मॉलिक्यूल बोलेंगे, इसको हम दूसरा मॉलिक्यूल बोलते हैं। बट अगर आप आयोनिक कंपाउंड लेते हो तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो इस तरीके से होते हैं Na+Cl- Na+Cl- Na+Cl-। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि Na इन दोनों के बीच बॉन्ड है और इनके बीच नहीं है, ऐसा नहीं होता। इनका सभी का सभी के साथ बॉन्ड होता है इस तरीके से। तो इसका मॉलिक्यूल ये वाला है या ये वाला है, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है आयोनिक कंपाउंड में। आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड्स। तो इसलिए आयोनिक कंपाउंड में फिक्स मॉलिक्यूल नहीं रहता। तो हम किस तरीके से इनके मॉलिक्यूल को डिड्यूस करते हैं, तो हम बोलते हैं ना NaCl का एक मॉलिक्यूल ले लो। अब तक आपने देखा भी होगा NaCl रिएक्ट होता है किसी के साथ फॉर एग्जांपल। तो NaCl का मॉलिक्यूल एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करता ही नहीं अकेला। तो क्या होता है, अगर आप लोगे, एग्जिस्ट करता नहीं है मतलब अगर सॉलिड लिया आपने NaCl का, तो उसमें ऐसे NaCl के मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं रहेंगे, उसमें क्या रहेगा Na+Cl- Na+, ये इंडिविजुअल एंटिटीज रहेंगे। तो हम क्यों बोलते हैं कि फिर कॉमन साल्ट जो आपके टेबल के ऊपर रखा होता है उसका फॉर्मूला ये। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी पूरा ये आपके टेबल के ऊपर इतना बड़ा साल्ट रखा है मान लीजिए, तो क्या करते हैं कि इस पूरे साल्ट में Na+ कितने और Cl- कितने हैं, ढूंढने के बाद ऐसा देखा कि कितना भी अमाउंट ले लो आप, उसमें क्या होता है Na मान लो 100 है तो Cl- भी 100 ही निकलते। तो वो क्या बोलते हैं कि इसमें Na और Cl इन दोनों का जो रेशियो 1:1 है, तो अगर हम आयोनिक कंपाउंड को अगर मान ले छोटा सा छोटा यूनिट पॉजिटिव और निगेटिव को एक साथ करके, तो हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट में एक Na और एक Cl रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो टेबल साल्ट है उसका जो छोटे से छोटा अगर फॉर्मूला या फिर यूनिट है तो वो कौन है, Na और Cl। जबकि ये मॉलिक्यूल नहीं, केमिस्ट्री के सेंस में मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसके अंदर ऐसे फिक्स बॉन्ड है और उसका दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं रहता। लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा रैंडम है। तो क्या कर लिया, कोई भी कंपाउंड लिया तो, लेकिन उनको एक फॉर्मेलिटी से नाम दे दिया, चलिए हम बोलते हैं कि इसको एक मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन ये मॉलिक्यूल केमिस्ट्री के सेंस में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि NaCl का एक ये फॉर्मूला यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। अगर हम NaCl का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन अगर हम NaCl का एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या होता है पता है क्या, आप किसी भी चीज के मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, मतलब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो कितना है 6:12:6 है, तो इसको सिंपलेस्ट कर देना तो क्या होगा 6 से कट जाएंगे सभी, तो ये आएगा CH2O। दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग। लेकिन ग्लूकोज एक कोहेरेंट कंपाउंड है, कोहेरेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसका एक फिक्स मॉलिक्यूल है, इसका ही एम्पिरिकल फॉर्मूला है। लेकिन NaCl का ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसको भी एक मॉलिक्यूल बोल सकते थे, इसको भी बोल सकते थे, क्योंकि जो यहाँ पे है वही यहीं पे है। तो उन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे आयोनिक कंपाउंड को एम्पिरिकल फॉर्मूले में ही एक्सप्रेस करेंगे। और एक बार बता रहा हूं मैं, कोहेरेंट कंपाउंड के फिक्स मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि आपने देखा इथेन, तो C2H6 है, तो इसके फिक्स, इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है ऐसा कोहेरेंट बॉन्ड हाइड्रोजन, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, राइट, दिस वन इज मॉलिक्यूल। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में ऐसा होता नहीं। मान लीजिए दूसरा एक आयोनिक कंपाउंड है MgCl2, Mg रहेंगे और इधर ClCl फैले हुए रहेंगे। लेकिन ऐसा होगा जितने Mg होंगे उसके ट्वाइस Cl रहेंगे, मतलब 4। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई इनका रेशियो क्या है Mg और Cl का, 1:2, राइट।
अब यहां पे देखोगे तो C2H6 का एक मॉलिक्यूल फिक्स ऐसा है, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में अगर एक्सप्रेस करोगे तो ये दिखेगा CH3, मतलब 2 से 1 कट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन इथेन का मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जैक्टली इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो बस कुछ तो Mg प्लस रहेंगे, मतलब कुछ कैटायन रहते हैं, कुछ एनायन रहते हैं, और उनके बीच कोई तो भी रेशियो रहता है। मान लो कैटायन है A प्लस, एनायन है B माइनस, ये मान लो कि ये X है और ये इसके 3 टाइम्स है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, AB3। इसका फॉर्मूला बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलते आयोनिक कंपाउंड। इसलिए मॉलिक्यूल आयोनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं बोला जाता, क्योंकि वो फिक्स सेंस में, डेफिनेशन के सेंस में मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं रहता, फॉर्मूला वेट रहता है। लेकिन आप मान लो कि हम अब तक इसको मॉलिक्यूल ही कहते आए थे, NaCl को मॉलिक्यूल ही कहते हैं हम, एक्चुअली फॉर्मूला यूनिट कहना चाहिए उसको, और इसलिए हम इसके वेट को मॉलिक्यूलर वेट बोलते थे। लेकिन स्ट्रिक्ट सेंस में इसको क्या बोलना चाहिए, फॉर्मूला वेट। जैसे उधर मॉलिक्यूलर वेट रहता है वैसे इधर फॉर्मूला वेट, जैसे उधर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट रहता है वैसे इधर ग्राम फॉर्मूला वेट, और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी फॉर्मेलिटी में डेफिनेशन है कि भाई इसको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, इसको यूनिट, फॉर्मूला यूनिट कहना चाहिए। सो आयोनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल ये टर्मिनोलॉजी की जगह पर फॉर्मूला यूनिट ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसीलिए हर जगह पर जहां जहां मॉलिक्यूलर आता है वैसे इधर फॉर्मूला आता है। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मोलैरिटी आता है, इनके लिए फॉर्मेलिटी आता है। लेकिन अब ये जो फॉर्मूला यूनिट है उसको इतना यूज नहीं करते, मॉलिक्यूलर वेट ही कहा जाता है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला यूनिट एंड मॉलिक्यूल, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ठीक है, तो फिर अब आपका जो 78 क्वेश्चन है ना, 1 ग्राम फॉर्मूला वेट, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ग्राम फॉर्मूला वेट यानी ग्राम मोलार मास, ग्राम फॉर्मूला मास यानी ग्राम मोलार मास, तो ग्राम मोलार मास तो आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि आपको KNO3 ये फॉर्मूला दिया है, एक आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इसको ग्राम फॉर्मूला वेट ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब कोई प्रॉब्लम है कंचन? तो आपको जो होमवर्क दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 25 समझाना है, लेट मी चेक, 25 मतलब वो टेस्ट का बोल रहे हो क्या, टेस्ट वाला बोल रहे हैं क्या? टेस्ट वाला, ओके चलो टेस्ट वाला देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 जो टेस्ट में आपको पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, और आपको ऑप्शंस दिए, बस इसी में तो कंफ्यूज हो रहे हो आप, इसी में कंफ्यूज नहीं होना है, यही मैंने आपको बताया है अभी तक। मैंने एक्चुअली अगर कुछ पढ़ाया है और जिसने कंफ्यूज नहीं होना है मैं आपको बोल रहा था, वो यही चीज है और कुछ भी नहीं है। तो लेट अस सी कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास ऐसा पूछा है, और ऑप्शंस है 25 ग्राम ऑफ आयोडीन, बस इन टर्मिनोलॉजी को ही समझना है, ग्राम ऑफ आयोडीन, 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन 2.5 ग्राम मोल ऑफ वाटर, और 2.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बोला है तो मुझे पता है कि वो N2 रहता है ना कि N, अगर एटम बोला होता तो N। सिंपल सी बात है, मैंने अभी तक आपको यही तो समझाया है, क्या समझाया है कि भाई ग्राम में और ग्राम एटम में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ग्राम बोला है तो एग्जैक्ट मास ही दिया है, कुछ भी नहीं दिया,
लेकिन ये मास नहीं है, ये ग्राम एटम है। ग्राम एटम का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, कुछ भी नहीं। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, ग्राम एटम मतलब मोल्स ऑफ एटम, और ग्राम एटॉमिक मास मतलब मोलार मास ऑफ एटम। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं कई बार बोलता हूं पढ़ाते वक्त कि इन लोगों ने केमिस्ट्री डेवलप करते वक्त ये टर्मिनोलॉजीज क्यों डेवलप की है मुझे ही पता नहीं, गंदी गंदी टर्मिनोलॉजी जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लॉजिक तो कुछ भी नहीं है कौड़ी भर का भी, लेकिन बस खाली पीली क्या कर दिया है, टर्म्स कॉम्प्लिकेटेड बनाए हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं, राइट। लेकिन होता है ऐसे, कोई भी लैंग्वेज डेवलप जब होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जब डेवलप होता है तो वो प्राइमरी लेवल पे रहता है। उसमें कुछ लोग मतलब अलग अलग तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं, तो जब दो चार तरीके के अलग अलग लोगों में कंफ्यूजन आता है, या फिर सभी लोग बराबर के होते हैं तो ये बोलता है कि मैं इसको यूज करूंगा, वो बोलता है इसको यूज करूंगा, और तब जाके उन दोनों को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब ऐसा होता है, मान लो कि जैसे पुरानी लैंग्वेजेस है, कोई लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट, तो उसमें कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारी मतलब उसमें प्रोनंसिएशन और राइटिंग इसका कोई मेल ही नहीं है, राइट। डीओ को डू बोलेंगे लेकिन जीओ को गो बोलेंगे, राइट। मतलब ऐसा क्यों, जो लिखोगे वैसा नहीं, मतलब कभी कभी टी साइलेंट होता है, जैसे कि ऑफन में है, साइकोलॉजी में टी साइलेंट है, तो ये तो एक्चुअली लैंग्वेज की इंप्यूरिटी है, दिस इज इम्प्योर लैंग्वेज। लेकिन छोड़ो, मतलब ऐसा होता है जब लैंग्वेज शुरू में डेवलप होती है ना, तभी ऐसा होता है। लेकिन जब एक बार वो सभी उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं तो उसपे रेक्टिफिकेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें, मास और वेट, एक्चुअली ये इक्वल नहीं होना चाहिए, मास अलग है वेट अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में वेट कई बार दिया जाता है मास की जगह पर, तो आप लोगों को ऐसी चीजें एक्सेप्ट करनी होंगी। तो वैसे ही है यहाँ पे, देखो क्या कि भाई ये ग्राम मोल या फिर ग्राम एटम ऐसा लिखना है क्यों है, बस मोल्स ऑफ एटम लिखना चाहिए था, बस हो गया। तो कंफ्यूजन क्या होता है, 2.5 ग्राम एटम, एक मिनट। हाँ चलो, तो फिर 2.5 ग्राम एटम्स, 2.5 ग्राम्स ऑफ एटम, मतलब ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 2.5 ग्राम्स ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें और इसमें काफी फर्क है, राइट। क्या फर्क है, ये तो एक्चुअली मास दिया है, इंग्लिश को अगर आप समझते हो, नहीं मास नहीं, ग्राम एटम एक साथ दिया है, राइट, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स दिए, सो दीज आर 2.5 मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा है। जबकि ये आपको मास दिया है, ग्राम्स ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, इसका ग्राम 2.5 नहीं है, इसका इसका जो वेट है वो कितना आएगा, 2.5 मोल्स, उसको नाइट्रोजन के मोलार मास से मल्टीप्लाई करोगे तब जो आएगा वो इसका वेट होगा, मास होगा, लेकिन इसका मास 2.5 ग्राम से है, और इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इंग्लिश के कंस्ट्रक्शन से भी आपको समझ सकता है। तो ग्राम एटम का मतलब खाली आपको समझना है कि कुछ नहीं है, मोल्स है, वैसे ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब भी मोल्स है। तो ये 2.5 ग्राम एटम्स है, यानी 2.5 मोल्स है, अब मोल्स है तो इसका मास कितना आएगा, 2.5 नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, इसका मोलार मास 16 to the 30, 2.5 ग्राम मोल। अब यहां पे और एक यहां पे गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, ऑप्शन में क्या दिया है, ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है, तो मैंने O2 लिख दिया, ये गलत बात है, क्योंकि O2 मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होता तो मैं O2 लिखता, लेकिन ग्राम एटम्स बोला है इसलिए ये एटम के बारे में बोल रहे हैं, ये मुझे समझना चाहिए, राइट। तो चलो, तो 2.5 इनटू 16 हो जाएगा बेटे, क्यों, क्योंकि हमें ग्राम एटम बोला, यानी वो एटम के बारे में बोल रहे हैं। 2.5 ग्राम मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2.5 मोल्स, ग्राम ग्राम मोल का मतलब भी वही होता है, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल सेम है। देखिए, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, दोनों को ग्राम मोल बोल सकते हैं या खाली मोल भी बोल सकते हो, पता नहीं क्यों
ऐसा किया है इन लोगों ने, मुझे हर साल इसी में फालतू की चीजों में बहुत ज्यादा टाइम जाता है अपना, और हर साल ऐसा होता है, आपका ही प्रॉब्लम नहीं है, हर साल का प्रॉब्लम है। तो दोनों चीजें, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल, इन दोनों को हम सिर्फ मोल्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर ग्राम मोल्स भी बोलते हैं इसको, ग्राम मोल्स भी बोलते हैं, ग्राम एटम को और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों को मिला के ग्राम मोल्स या फिर सिर्फ मोल्स ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राम मोल ऑफ वाटर, 2.5 ग्राम मोल्स ऑफ N2, तो इसका मास हो गया, इसका 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, N2 गैस बोला इसलिए मैंने N2 लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब यहां पे देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पे उन्होंने ग्राम एटम भी नहीं लिखा, ग्राम मॉलिक्यूल भी नहीं लिखा, यहां पे इन्होंने ग्राम एटम लिखा था, इसलिए मुझे यहां पे चेंज करना पड़ा। अगर यहां पे वो लिखते 2.5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2.5 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको क्या समझता, मॉलिक्यूल या एटम, बोलो एक बार चेक करके, मॉलिक्यूल या एटम, ओके ओके ठीक है, मैं वो भी देखता हूं, हाँ ठीक है चलो मॉलिक्यूल, कुछ नहीं बोला, ऑक्सीजन सिर्फ खाली बोला है तो वो मॉलिक्यूल ही लेना है। लेकिन यहां पे एक गलती हो गई है इन लोगों की क्वेश्चन में ही, कि इन्होंने लिखा है 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये अब इसको ठीक से देखो, 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है ऑक्सीजन गैस है इसमें, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन गैस के अंदर का लेना क्या है, ऑक्सीजन के एटम लेना है या मॉलिक्यूल लेना है, अब इन्होंने ग्राम एटम स्पेसिफिकली बोला है तो आपको इसके एटम ही लेने पड़ेंगे, भले ही वो ऐसे है O2 है, लेकिन आपको काउंट करने हैं इसके एटम्स, मतलब 2.5 ग्राम एटम, यानी आपको 2.5 एटम काउंट करने और उनका ही वेट निकालना है, क्योंकि उन्होंने ग्राम एटम बोला है स्पेसिफिकली, हाँ भले ही उन्होंने ऑक्सीजन गैस बोला है, ठीक है 2.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी O2 होता है, राइट, लेकिन इसके एटम ही काउंट करने हैं आपको, क्योंकि इन्होंने ग्राम एटॉमिक मास पूछा है, सॉरी ग्राम एटम बोला है, तो आपको एटम ही लेना होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना भाई कि ऑक्सीजन गैस है लेकिन उसका ग्राम एटॉमिक मास निकालो, मतलब इसके अंदर के ऑक्सीजन के एटम के एक मोल का मास निकालो, भले ही ये मॉलिक्यूल है लेकिन उसके एटम्स काउंट करो और उसके एक मोल का मास निकालो, क्योंकि ग्राम एटम बोला है। उसके बाद है 2.5 ग्राम मोल ऑफ N2, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, N2 यहाँ पे एटम बोला ही नहीं है, तो सिंपली 28, इनमें से कौन सबसे ज्यादा है देख लो आप, ये तो सिर्फ 25 ग्राम है डायरेक्टली। तो क्या ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में घुस गई, यस और नो, बोलो एक बार, और यही एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोटबुक में चाहे तो लिख लो, आपको समझ में आएगा और फॉरएवर के लिए याद रहेगा। आयोडीन का मास क्या है, आयोडीन का मास निकल नहीं है, डायरेक्ट उसने दिया है कि 225 ग्राम ऑफ आयोडीन, तो उसका मास निकलना ही नहीं है ना, डायरेक्ट 80 मतलब डायरेक्ट उसका जो भी आयोडीन का मोलर मास दिया है 25 ग्राम, उसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना ही नहीं है, मास दिया है तो निकालना क्यों है, आयोडीन का मास 25 ग्राम दिया है उसने, अगर यहां पे दिया होता 2.5 ग्राम ऑफ वाटर, 2.5 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मास ही दिया है तो मास निकालना क्यों है, आयोडीन का मास समझने वाली बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, उसने मास ही दिया है, अगर आपको बोला है कि 25 ग्राम ऑफ आयोडीन, उसकी जगह पे वो बोलता, उसकी जगह पे अगर ये बोलता कि भैया 25 ग्राम ऑफ सम ऑक्सीटोसिन, तो इसका मास निकालो, 25 ग्राम ऑफ ऑक्सीटोसिन इसका मास कितना होगा, चलो बोलो कम ऑन, अरे ये तो सीआईडी वाला लॉजिक हो गया, मतलब लॉजिक है ही नहीं और आप परेशान हो रहे हो, चलो बोलो इसका मास बोलो, इसमें इसी ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, 5 है ये फिफ्थ वाला ऑप्शन, और आपको बोला है कि 25 ग्राम ऑफ ऑक्सीटोसिन,
इसका मुझे मास निकाल के दिखाओ। चलो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पूछो, किसी का मोलार मास चाहिए तो पूछो, मैं बता देता हूं। कमा 25 ग्राम ऑफ ऑक्सीटोसिन, इसका मास कितना होगा? चलो रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। जैसे आपने निकाला ना, इसका मास निकाला मोलार मास से मल्टीप्लाई करके, इसका निकाला, वैसे इसका निकाल के दिखाओ। अगर आपको किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या ऑक्सीटोसिन के मोलार मास की जरूरत है यहां पे? सही ओंकार। और कोई? अनिकेत सही, बिल्कुल सही बेटे, बिल्कुल सही। आपको समझ में आया, मतलब जैसे ही ये ऑप्शन आएगा एग्जाम में तो अरे आयोडीन का मोलार मास कितना है ये चीजें मैं याद नहीं करता रितेश, मैं लॉजिक बताता हूं, आप देख लो मोलार मास कितना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। मोलार मासेस ये मुझे याद नहीं रहते हर चीज के, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम में। हैलोजन्स के तो आपको पूछ सकते हैं, क्लोरीन का मोलार मास है 70, आयोडीन का किसी को याद है तो बोल दो यहां पे, आयोडीन का मोलार मास किसी को याद है क्या? और ये चीजें तो आप बहुत इजीली देखिए, ऐसा भी है 126, चलो 126 बता दिया इसने, बहुत अच्छा। तो मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि ये जो फैक्चुअल चीजें रहते हैं ये आप इंटरनेट पे ढूंढ लिया करो, कितना एक मिनट लगेगा, एक मिनट। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको बताना नहीं है बेटा, आई एम ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू टीच यू एनीथिंग, लेकिन आपको भी समझना चाहिए क्या कि हम ऐसी कुछ चीजें पूछे कि जो कंफ्यूजन कर रही है, जो कि कंसेप्चुअल है, तो उनके लिए मैं अपना बहुत सारा टाइम यहाँ पे बिता सकता हूँ, जबकि फैक्चुअल चीजों के लिए आप इंटरनेट को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। अगर मान लो कि एटम की डिस्कवरी किसने की, इंटरनेट पे डायरेक्टली आंसर है उसका, तो क्या प्रॉब्लम है? वो अगर मुझे पूछोगे तो उसमें अपना टाइम जाएगा, राइट है ना? हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये अगर क्वेश्चन आप मुझे पूछोगे यहाँ पर तो अपना टाइम जाएगा, बस यही मैं बोल रहा हूँ। जबकि आप मुझे बोलो कि सर इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट मुझे समझाओ, तो उसमें मैं टाइम यहाँ पे बिताऊंगा, क्योंकि वो नेट पे देख के आपको समझेगा नहीं। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा, एक्चुअल क्वेश्चंस के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल किया करो, राइट, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। किसी का मोलार मास है, किसी का एटॉमिक मास है, ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन कंसेप्ट समझ में नहीं आते ना, तो उसको आप पूछा करो, ठीक है? 126, चलिए आगे। और वैसे भी मैं भी बता देता हूं कि मुझे किसका फाउंडर कौन है, कौन किसका फादर है, ये सब चीजें मुझे याद रहती नहीं और मैं याद करता भी नहीं, क्योंकि उसकी मुझे अभी जरूरत भी नहीं ना बेटा, मुझे बस आपको समझाना है, किसी भी चीज को मुझे समझाना है आपको, उसमें मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, कंसेप्ट को ऐसे समझाना है कि आपको समझना चाहिए। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 83 अभी। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, चलिए ये अच्छी बात, ये बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब यहां पे एक ही बात इंपॉर्टेंट है, आपको वॉल्यूम दिया है, तो आपने क्या किया होगा, शायद शायद वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर दिया है, और आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी n डैश निकालना है, तो आपने सिंपल से ये किया होगा कि भाई नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n डैश अपॉन n v अपॉन vm, चलिए इसको यूज करते हैं और इससे n डैश निकालते हैं, क्या ऐसा ही किया अनिकेत? और ऐसा ही करना भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, ऐसा ही करना भी चाहिए। तो n डैश इज इक्वल टू v अपॉन vm इनटू n, ऐसा ही करना चाहिए। बस यहां पे गलती क्या हुई मैं बताता हूं, आपने ये मोलार वॉल्यूम 22.4 बीएम क्यूब लिया होगा अनिकेत, ऐसा ही किया है क्या, यस और नो बोलो। हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए यहां पर,
अगर ऐसा किया है और ये 22.4 दिया है तो गलती है। एक गलती सबसे पहले आपको एसटीपी बोला नहीं, और दूसरी बहुत बड़ी गलती है इससे क्या है बोलो, यू कैन नॉट यूज वीएम इज इक्वल टू 22.4 यहां पे। कोई बता सकता है मुझे, यस एनीबॉडी, गलती क्या है? नहीं 22.7 वो भी गलत है, नो प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है। मैंने बोला ना 22.4 और 22.7 इसमें बहुत बड़ी गलती नहीं है, गलती बहुत बड़ी दूसरी है। कौन बता सकता है मुझे? यहां पे ये वीएम इक्वल टू 22.7 नहीं लेना है आपको, यस एसटीपी नहीं दिले ओके, परंतु आणखीन एक मोठा प्रॉब्लेम आहे। चला एसटीपी जरी दिला असता हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो और एक है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, यस ओमकार बहुत से, इट इज नॉट ए गैस। मैंने कितनी बार बोला है आपको बेटे कि ये जो है वॉल्यूम 22.4 दिस इज द मोलर वॉल्यूम फॉर गैस नॉट फॉर लिक्विड, लिक्विड के लिए नहीं है ये, लिक्विड के लिए नहीं है ये। तो अब चलिए आगे देखते हैं, फिर लिक्विड के लिए अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लिक्विड के लिए नहीं है, समझ में आ गया? ये सबसे बड़ी गलती है। गैस, हर कोई गैस 22.4 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करता है, 22.4 और 22.7 इसमें ज्यादा परेशान मत होना। 22.4 में मैं बोलूंगा तो समझ लेना कि मैं 7 ही बोल रहा हूं, क्योंकि ये बहुत पुराना वर्ड है 22.4, बहुत सारी बुक्स में 22.4 ही है, राइट? लेकिन 22.7 ये इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में 22.4 से भी आंसर आता है तो उसको भी टिक करो, लेकिन एक आंसर 22.4 से आता है, दूसरा आंसर 22.7 से आता है, तो फिर 22.7 को मानो। चलिए अब मैं बताता हूं कि किस तरीके से किया जा सकता है। अब वाटर का तो मोलार वॉल्यूम पता नहीं है, तो लिक्विड का मोलार वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं? लिक्विड को एक काम कर सकते हैं, देखिए वॉल्यूम से हम मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से मास निकाला जा सकता है। मैं दो तरीके से इसको कर सकता हूं, देखिए दो तरीके से मैं कर सकता हूं। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, मास मतलब आपको यहां से और ये वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम आपको ये दिया है, सॉरी मोलर वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे वी रहता है, आपको वॉल्यूम दिया है और उससे ये निकालना, तो इधर से इधर जाने के लिए आपको मोलर वॉल्यूम लगता है, इधर से इधर जाने के लिए अवगाड्रो नंबर। तो आप ये भी कर सकते हो, यहां से इधर जाओ फिर यहां से इधर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ये पता नहीं है ना, तो यहां से इधर जाने की भी एक तरकीब होती है, क्या होती है बोलो, यहां से इधर जाने की क्या तरकीब होगी? कैसे जोड़ोगे आप वॉल्यूम को मास से? यस एनीबॉडी, यही आपको आना चाहिए बेटे, यही तो आपको आना चाहिए, सोचना है। मैं तो करके दूंगा आपको हजारों प्रॉब्लम, लेकिन आप कब सोचोगे? डेंसिटी, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, इसे बोलते हैं दिमाग। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, और फिर यहां से तो इधर जा ही सकते हो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके, राइट? तो ये एक तरीका। दूसरा एक तरीका, मैं इसको भी निकाल सकता हूं, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ वन मोल, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल। तो वो कैसे होता है देखिए, इसको कैसे निकाले, वॉल्यूम ऑफ वन मोल निकालते हैं, कैसे देखिए, वॉल्यूम ऑफ वन मोल, वॉल्यूम ऑफ वन मोल इज नथिंग बट मास ऑफ वन मोल मल्टीप्लाइड बाय, नो मल्टीप्लाइड नहीं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ऐसा होगा। अब मास ऑफ वन मोल, एक मोल, एक मोल का मास कितना होगा? मोलर मास, एक मोल का मास मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो सिंपल सी बात है, आप मोलर वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? मोलर वॉल्यूम इज नथिंग बट मास ऑफ वन मोल डिवाइडेड बाय डेंसिटी।
इसका एक और फॉर्मूला आपके पास आता है ये वाला। आप यहां से भी इधर जाओ, यहां से भी जाओ, प्रॉब्लम एक ही है, आंसर एक ही आने वाला है, राइट? तो चलो इस तरीके से करके मुझे बताओ। आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर और आपको एन डैश निकालना है। आप मास से भी जा सकते हो और मोलर वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, आप इससे भी इधर जा सकते हो, जो भी करना है आपको करो। हाँ, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर पता होनी चाहिए। मोलर मास कितना है? ग्राम पर मोल। तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? ग्राम ही होनी चाहिए। तो ग्राम पर, और देखिए लीटर में दिया है, लीटर में दिया है आपको, लीटर में दिया है ना, क्या दिया है? वॉल्यूम लीटर में दिया है। तो यूनिट का तो यूज आप कर ही सकते हो, यूनिट का अप्रोप्रिएट यूज करके चलिए मुझे निकाल के दिखे, वो निकाल सकता है आंसर निकाल के। तो आप भी ट्राई करो, मैं इधर आपको सॉल्व करके देता हूं, अलग दोनों तरीके से सॉल्व करके देता हूं। चलो, और जब अलग अलग तरीकों से आप करना सीखोगे ना, तभी आप इसमें मास्टर बन जाओगे। बस एक तरीका लेके बैठोगे तो मास्टर नहीं बन पाओगे। तो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला हमारा है ही, मास इधर से इधर जाना है, तो सिंपल सी बात है, आपको वॉल्यूम 1 लीटर दिया है और डेंसिटी आपको ये पता है कि क्या होती है, 1 kg/L होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं जरा देखता हूँ क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो मास निकालना है। अब मास मुझे ग्राम में निकालना होता है क्योंकि मोलार मास ग्राम में होता है, तो इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूं। देखो आपको समझेगा कैसे। सो मैं सबसे पहले मास निकाल रहा हूं, फिर मास से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूंगा। तो देखो, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। वॉल्यूम है आपका 1 लीटर और डेंसिटी होती है वाटर की 1 kg/L। तो ये लीटर और लीटर कैंसिल होकर आपका मास आएगा 1 kg, भूलना नहीं है, यूनिट को भूलना नहीं, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हो कि भैया एन डैश अपॉन एन इज इक्वल टू ना मास अपॉन मोलार मास, राइट? तो एन डैश तो आपको निकालना है इज इक्वल टू मास, इस एन को मैं इधर लेके जाता हूं, मास तो कितना है 1, चलो 1, मोलार मास कितना है वाटर का 18, चलो 18। लेकिन ये गलत है ना बेटे, क्यों गलत है? क्योंकि ये मोलार मास 18 g/mol है, मास आपने किलोग्राम में निकाला है, तो गलती हो गई। ग्राम और किलोग्राम नहीं कैंसिल होते, तो यूनिट में गलती कई बार होती है, वही करनी नहीं आपको। तो आपको ये 10^3 g करना होगा, तो ये आपका 1000 हो जाएगा। अब 1000 को 18 से डिवाइड करते हो तो 55.5 आता है, राइट? ओ नहीं दिख रहा क्या इधर? सो 55.5 इनटू यानी 6 × 10^23। इस तरीके से आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए वाटर के। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 × 30 6 × 30 33 6 × 30 and 3 33 33 × 10^23 ये आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो आपका आंसर, चलिए 55.5 × 6 × 10^23 ऑप्शन सी दिया है, इस फॉर्म में दिया है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बोल रहा था कि आपको मोलर वॉल्यूम के मैंने ये दिया है, राइट, ये फॉर्मूला, तो उसको भी यूज कर सकते हो। देखिए इधर गया, इधर लिख लेता हूं मैं, इधर दिख रहा है ना? हाँ, देखिए मोलर वॉल्यूम यूज कर रहा है, हमको एन डैश निकालना है। एन डैश अपॉन एनए इज इक्वल टू वी अपॉन वीएम, एन डैश इज इक्वल टू वी अपॉन वीएम इनटू अवोगाड्रो नंबर। वी दिया है आपको 1 लीटर, यूनिट लिखो, मैं हर बार बोल रहा हूं यूनिट लिखो। वीएम मोलार मास अपॉन डेंसिटी, अभी हमने देखा ना ये फॉर्मूला, मोलार मास अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एनए। चलिए जब तक ये हम यहाँ पे वी लिख लेते हैं, तो ये डेंसिटी ऊपर जाएगी रो वी अपॉन कैपिटल एम इनटू एन। तो ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रो इनटू वी मास ही होता है, तो मास अपॉन मोलर मास इनटू एन, वही तो आया हमारा ये क्या।
ये तो आया ना, ये वाला ही आया हमारा। अगर इस एनियो को इधर में लिखता हूं मैं, इधर ही रहने देता हूं, इधर ही रहने देता हूं, तो हमारा इधर क्या है, एन डैश अपॉन एनियो, इसको कटर, वही तो आया हमारा जो यहां पे, राइट। ओके, तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस यहाँ पे गलती एक ही होती है, वॉल्यूम बोला कि आपको लगता है कि चलो एक ही चीज होनी चाहिए, वो क्या 22.4, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो गैसेस के लिए है, एसटीपी पर। चलिए और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 तक बोलो। The sample of AlF3 contains 3 into 10 to 24 ions. The number of formula units of this sample. Formula unit मतलब molecule, ठीक है? ये तो सबसे पहली बात। तो ये तो हुआ है हमारा। अब मैं ये quickly बता देता हूँ जरा। मैंने बोला है ना आपके पास molecule इधर रहता है और इधर atom रहता है। अब यहाँ पे एटम की जगह पे आयंस रहते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, और इसके आपको नंबर ऑफ आयंस दिए हैं यानी एन डैश दिया है, तो सबसे पहले इससे इधर आओ, नंबर ऑफ मोल्स इसके निकालो, फिर इससे इधर जाओ, मतलब डिवाइड करना होगा 3 से जो भी इसका आंसर आएगा, फिर इससे इसके एन डैश पर जाओ, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर यहां से यहां डायरेक्ट जाओ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहां से यहां भी जा सकते हो ना डायरेक्टली, क्यों जा सकते हो, आपको पता है इसके मॉलिक्यूल अगर 5 है तो इसके आयंस उसमें कितने रहेंगे, 15 रहेंगे, 3 गुना ज्यादा। अगर इसके मॉलिक्यूल्स AlF3 के 100 मॉलिक्यूल्स है तो उसमें मतलब मॉलिक्यूल को यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट बोला जाता है आयनिक कंपाउंड, राइट, तो ये फॉर्मूला यूनिट है। अगर इसके फॉर्मूला यूनिट 100 है तो उसमें फ्लोराइड के आयन कितने रहेंगे, बोलो, 100 है तो फ्लोराइड का आयन कितने रहेंगे, राइट, 300, समझ में आ गया। उसके उल्टा अगर फ्लोराइड के आयंस 900 है तो फॉर्मूला यूनिट कितने रहेंगे, फ्लोराइड के आयंस 900 है तो फॉर्मूला यूनिट्स कितने रहेंगे, थ्री हंड्रेड, गुड। तो उसी तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं फ्लोराइड के 3 × 10^24, तो इसके आयंस इतने दिए हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स रहेंगे डिवाइडेड बाय 3 यानी 10^24, 3 गुना कम रहेंगे। चलिए कोई प्रॉब्लम और, 9 × 10^24 नहीं बेटे, 3 गुना कम रहेंगे, आयन से 3 गुना कम, आयन से 3 गुना ज्यादा नहीं, चलिए आगे, और कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 90 तक, 93। टू ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेंस सेम नंबर ऑफ एटम्स एज कंटेंट बाय, सभी के अंदर जितने एटम्स है वो निकालना है, सभी के अंदर 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम है, सबसे पहले ये मुझे बताओ, ये निकाल सकते हो क्या, यस और नो बोलो, कंचन, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम्स रहेंगे, क्या ये निकाल सकते हो आप, 16 और 32, देखो एक बार आपको अगर यहां पे एक तो एटम्स पूछे, देखो क्या आप कुछ भी पकड़ लो, पूछा तो आपको एटम है ना, तो आप एटम के लिए 16 पकड़ लो, राइट, मॉलिक्यूल होता तो 32, चलो क्लियर है, हम्म,
और 99 तक, चलिए ठीक है, अगली मीटिंग में देखते हैं, बाय बाय। ट्राइएटॉमिक गैस मींस उसमें तीन एटम रहेंगे, जैसे कि ओजोन, ट्राइएटॉमिक मतलब एक मॉलिक्यूल में तीन एटम, डायएटॉमिक एक मॉलिक्यूल में दो एटम, मोनो एटॉमिक एक मॉलिक्यूल में बस एक ही एटम, मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, बाय बाय।